सुप्रभात बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे काव्य पाठ 3, जिसमें कि 2 कविताएं हैं। पहले थी कविता के बहाने, हम लोग ने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे दूसरी कविता, जो है बात सीधी थी पर। किंतु यहाँ पर अभी हम पहले कविता के बारे में पढ़ लेते हैं। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। तो एक दूसरा उनका काव्य संग्रह है जिसका नाम है कोई दूसरा नहीं, उसमें से ली गई है और कविता का नाम है बात सीधी थी। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। इस कविता में कवि ने किस समस्या को उजागर किया है कि 2 चीज़ें होती हैं, कथ्य और माध्यम। कथ्य मतलब होता है कहना चाहते हैं जो हम, वो कथ्य कहलाता है। माध्यम यानी हम उसे कहने के लिए किस चीज़ का सहारा लेते हैं। तो ये एक द्वंद है, द्वंद है यानी आपसी टकराव की बातें हैं कि हम जो कुछ कहना चाहते हैं उसके लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, वो माध्यम अगर सही नहीं है तो हम जो बात कहना चाह रहे हैं उसका मतलब सही नहीं निकलेगा। तो ये एक तरह से द्वंद होता है। तो इसी बात को उन्होंने, इस समस्या को अपनी दूसरी कविता में लिया है, जो कि हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब भी हम किसी चीज़ को कहें तो भाषा को सहजता से प्रयोग करें। मतलब भाषा को ज़्यादा हम तोड़ मरोड़ कर इसका प्रयोग ना करें, बिल्कुल सहज भाषा, आसानी सिंपल शब्दों में हम उसको कहें। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। तो कवि इसके लिए दृष्टांत लेता, उदाहरण लेता है किस चीज़ का, कील का और पेज का। तक वही कह रहे हैं कि हर शब्द, हर बात को कहने के लिए कुछ निश्चित शब्द होते हैं, जिस तरह से एक कील के लिए निश्चित एक खांचा होता है। यानी हर कील हर खांचे के अंदर नहीं आ सकती है, कुछ निश्चित चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल ठीक आती हैं। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, हम ये सब छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें लगता है कि ये उसके बिल्कुल पर्याय हैं, लेकिन जब बिल्कुल हम अगर साहित्यिक में जाएं, भाषा के साहित्य रूप में जाएं, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो कभी कभी अपनी जटिलता, काव्य की जटिलता को बढ़ाने के लिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन उससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और सही बात को जब हम सही शब्द के साथ जोड़कर कहते हैं तो वास्तव में एक अच्छी कविता का निर्माण होता है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, यह सहूलियत के साथ हो जाता है। और कवि कह रहे हैं कि जब वाकई हम ऐसी कविता का निर्माण करते हैं जिसमें सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कविता अच्छी बनती है। चलिए पढ़ते हैं बात सीधी थी। देखिए, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि बता रहे हैं कि मैं कविता निर्माण करने के लिए बैठा, मैंने शब्दों का प्रयोग किया, कविता लिखनी शुरू की। बात जो मैं कहना चाह रहा था बिल्कुल सीधी थी, लेकिन मैंने सोचा जरा अपनी काव्य की कुशलता दिखाऊं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करूं, तो मैं भाषा के चक्कर में पड़ गया और जो मेरी बात थी वो थोड़ी टेढ़ी हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, फिर मुझे लगा कि नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात यहाँ पर नहीं आ रही है। तो मैंने कोशिश की उसी अर्थ को लाने की, और फिर मैंने क्या किया, उस अर्थ को पाने के लिए भाषा को उल्टा पलटा किया, यानी शब्दों को इधर उधर किया, उलटफेर किया, तोड़ा मड़ोड़ा, घुमाया फिराया, शब्दों को मैंने बदला, इधर से उधर रखा, थोड़ा उनको घुमाया, इधर से उठा कर उधर रखा, यानी जैसे भी मैं कर सकता था शब्दों की हेराफेरी मैंने की, कि बात या तो बने या फिर उस भाषा से बाहर आए। तो मैं इस समय हमें इस प्रयत्न में था कि या तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो कविता के माध्यम से मेरे पाठकों के पास पहुँच जाए, और अगर नहीं पहुँच पा रही है तो मेरी जो भाषा थी वो कम से कम उस प्रारंभिक रूप में तो आ जाए जहाँ से कि मैं नया काव्य निर्माण कर सकूँ। लेकिन मेरी बात जो थी बहुत बुरी तरह से फंस गई थी, बिल्कुल ऐसे जिस तरह से कोई कील जो होती है गलत पेज में फंस जाती है, फिर जब हम उसको निकालने का प्रयास करते हैं तो वो नहीं निकल पाती है, बुरी तरह से उसमें जकड़ के रह जाती है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, ना तो मेरी बात निकल कर आ रही थी, ना ही शब्द में जो कहना चाह रहा था वो अर्थ मुझे लग रहा था कि पाठकों तक पहुँच पाएगा। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ और भी पेचीदा होती चली गई।
जितना मैं उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था, जो मेरे मन के भाव थे उनको कागजों पर लाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो भाव मेरे निकल कर नहीं आ रहे थे और ना ही मेरा जो मूल था, जो कविता का मैं विशेष मैं लेकर चल रहा था उद्देश्य, वही पूरा हो पा रहा था। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। अब मेरी गलती क्या कर रही थी कि मुझमें धैर्य नहीं था, मैं जल्दी से जल्दी अपने उसी अर्थ को लाने का प्रयास कर रहा था। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से धैर्य खोकर एक कारीगर जो होता है वो पेज को खोलने मतलब जटिलता से उसको और ज़्यादा अंदर ही अंदर और घुसाता चला जाता है, वही बात हो रही थी कि मैं उस पेज को खोलने का प्रयास नहीं कर रहा था, बल्कि उसी में मैं चाह रहा था कि मेरी बात इन्हीं शब्दों के जाल में वैसे कि वैसे किसी भी तरह से आकर वही अर्थ ले आए जो कि मैं देना चाह रहा हूँ। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शबाशी और बहावा। और मैं ये सब क्यों कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि अगर इन जटिल शब्दों का मैं प्रयोग करूँगा तो काव्य को पढ़ने वाले और सुनने वाले वास्तव में मुझे शाबाशी देंगे या वाहवाही करेंगे। इसलिए मैं प्रयास कर रहा था कि ये शब्द जो मैंने चयन किया है जिन शब्दों का, उनको मैं ना छोड़ूं और उन्हीं को मैं किसी भी तरह अपने कविता में स्थान दे दूं, उन्हें सटीक मानकर उस स्थान पर बिठा दूं, जिससे कि मैं बाद में मुझे सब याद करें, मेरी वाहवाही हो। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और मैं भाषा में बेकार घूमने लगी। कह रहे हैं कि मेरे इसी प्रयास ने एक गलत काम किया जिसका मुझे डर था कि ऐसा ना हो कि जिस तरह से जब कील को हम बहुत ज़्यादा उसी जगह घुसाने का प्रयास करते रहते हैं और उसकी चूड़ियाँ सब खराब हो जाती हैं, फिर ना तो उसमें कसाव रहता है, चूड़ी में कसाव रहता है, ना ही उसके जो खांचा होता है उसमें कसाव रहता है और वो अंदर ही अंदर घूमने लगती है। तो वही मेरी कविता के साथ हुआ, मेरे शब्दों के जो अर्थ थे वो गलत साबित हो गए। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया। फिर जब हम देखते हैं कि कील पेज के अंदर नहीं आ रही है तो हम क्या करते हैं, हथौड़ा लेते हैं और उसको वहीं की वहीं ठोक देते हैं। तो कवि कह रहे हैं फिर मैंने वही किया कि मैंने उन्हीं शब्दों को वहाँ रख दिया, चाहे भले ही उसका वो अर्थ नहीं निकल कर आ रहा था, यानी मैंने जब मेरी बात की चूड़ी ख़राब हो गई उसके अंदर नहीं बैठ रही थी फिर, तो मैंने उसे कील की तरह वहीं पर ठोक दिया, उन शब्दों का मैंने प्रयोग वैसा का वैसा कर लिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाब था ना ताकत। तो इस तरह से मैंने जो काव्य निर्माण किया वो देखने में तो ये लग रहा था कि बड़ा साहित्यिक है, उसमें बहुत नए शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने, लेकिन अंदर से जो उसका अर्थ निकल रहा था यानी जो कसावट होनी चाहिए कील में, वो कसावट मेरी बात में नहीं रह गई थी, वो महत्व मेरी बात का नहीं रह गया था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। कवि कह रहे हैं कि इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि भाषा मुझे ताना मार रही हो और कह रही हो मुझसे कि तुम एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे इतनी देर से खेल रहे हो, कभी किसी शब्द को यहाँ पर रखते हो, कभी किसी को हटाते हो और उसके बाद में भी जब अर्थ नहीं आ रहा है, तुम पसीना पहुँच रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ कि तुमने अभी तक भाषा को सहूलियत से बरतना क्यों नहीं सीखा, यानी जिस बात को हमें जैसे कहना है उस बात को सरल सीधे शब्दों में कहना अभी तक क्यों नहीं सीखा, क्यों तुम कृष्णता के चक्कर में पड़े रहते हो, क्यों साहित्यिक भाषा में इतना उतरते हो, बात को सीधे शब्दों में कहो जिससे कि वो अपना महत्व भी रखे, अपना अर्थ भी रखे और आपको वाहवाही भी मिल जाए। तो इस तरह से कवि कह रहा है कि मुझे शब्दों ने ही ताना मारा और मुझे अपने आप पर शर्मिंदा होना पड़ा। चलिए बच्चों, इतना आप पढ़िएगा, फिर हम अगली वीडियो में और आगे के पार्ट पढ़ेंगे।